व्हाट इज अ पब्लिक, कैसे हैं आप सब? कैसे हैं? तो एक और ट्रेलर आया है, ट्रेलर पे ट्रेलर आ रहा है अभी तो. कल किसका आया था? वो हीरा मंडी का आया था. आज जोकर का आया, और कल श्रीकांत का भी ट्रेलर आया है. ऑफिशियल ट्रेलर जो है ट्रू स्टोरी के ऊपर है. जो प्ले किया है राजकुमार राव ने, तो देखने में बहुत ही मजा आने वाला है. श्रीकांत अगर आप जानते हो तो वो ब्लाइंड थे. Okay. ऐसा था. हाँ तो क्या भाई, बोलान इंडस्ट्रीज उनकी थी, ऐसा कुछ था. तो उनके ऊपर ये पूरी पूरा मूवी है, बायोपिक जैसा कुछ होगा. Okay. Nice. तो देखते हैं क्या क्या होता है. कास्ट तो अच्छी लग रही है, ज्योतिका भी है इसमें. हाँ भाई, आलाया भी है. नाइस. हॉलीवुड ट्रेंडिंग में तो शायद पता चले कि क्या कैरेक्टर रहा होगा उनका, श्रीकांत जी का, रियल लाइफ मतलब ये उनके स्टोरी में. और एपीजे अब्दुल कलाम भी शायद दिख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट जो स्टार्टअप किया था उन्होंने ही फंड दिया था, ऐसा कुछ था. ओ नाइस. तो पता नहीं. चलो रेडियो आप लोग. 3, 2, 1 स्टार्ट. हेलो सर, मैं बायोलॉजी पढ़ना चाहती हूँ और लाइफ साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ. थैंक यू. हेलो सर, आई वांट टू बी एन आईएएस ऑफिसर. थैंक यू. नाइस. हेलो सर, आई वांट टू बी अ स्पेस रिसर्च साइंटिस्ट एंड टू बी द फर्स्ट मैन ऑन मार्स. थैंक यू सर. हेलो सर, सर मैं देश का पहला विजुअली चैलेंज प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ. थैंक यू सर. व्हाट इज योर नेम यंग मैन? सर माय नेम इज श्रीकांत बोला. आ तो भाग जाता ना वहाँ से. कहाँ भागता नाना, मैं भाग नहीं सकता, सिर्फ लड़ सकता हूँ. लोगों ने कहा श्रीकांत हो रजनीकांत नहीं, मुंह के बल गिरोगे. उसने कहा एंड आवर न्यू हेड बॉय इज श्रीकांत. 12th स्टैंडर्ड में श्री को 98% आए थे. श्री का एडमिशन भी आर्ट्स में ही हुआ है, मान नहीं रहे कॉलेज वाले. पर क्यों? विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए इंडियन एजुकेशन सिस्टम में साइंस का ऑप्शन ही नहीं है. मैं पढ़ूंगा तो साइंस ही पढ़ूंगा, चाहे जो हो जाए. इसीलिए केस करना है. किस पर? इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर. सर श्रीकांत, आपने न्यूटन के बारे में तो सुना ही होगा. सर न्यूटन ने ग्रेविटी जरूर डिस्कवर की थी, पर इसका मतलब ये नहीं कि उससे पहले किसी ने एप्पल को गिरते हुए नहीं देखा होगा. पर किसी ने ग्रेविटी के बारे में नहीं सोचा सर, उसके लिए आंखें नहीं चाहिए. tan square theta plus 1 is equal to sec square theta. Sec square. इंडिया के किसी भी कॉलेज ने जिसे पैसे भरकर भी एडमिशन नहीं दिया, उसे दुनिया के टॉप 4 यूनिवर्सिटीज ने स्कॉलरशिप देके बुलाया है. क्या बात है? तुम सच में बहुत इंटरेस्टिंग आदमी हो श्रीकांत. तुम्हारे कोर्ट केस, क्रिकेट, MIT, सबके बारे में पता है मुझे. सर, विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन कैन नॉट ट्रैवल अलोन इन द फ्लाइट. आप समझ नहीं रहे, मेरा जाना बहुत इंपॉर्टेंट है. मेरा MIT में एडमिशन हुआ है. आई कैन नॉट लेट यू फ्लाई अलोन. सर आई नीड यू, ऑफ कोर्स आई नीड योर हेल्प. एक्सक्यूज मी, प्लीज हेल्प मी. सर आप प्लीज इनको बोल दीजिए आप मेरे साथ हैं. मेरा एडमिशन नहीं होगा पढ़ना. समवन प्लीज हेल्प मी. इतना मस्त एक्टिंग किया है ना. लोगों को तो लगता है कि ये ट्रेन में गाना गाने के लिए ही बने. मुझे भीख नहीं मांगनी है टीचर, मुझे पढ़ना है टीचर, मुझे पढ़ना है. हम डिसेबल लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट करेंगे. और जॉब क्रिएट कैसे होंगे? आपको पता है एक विजनरी आदमी ने ऑलरेडी मेरे स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर दिया. कौन? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम. बोला आपने अपने दिमाग में हमारे लिए अलग ही कहानी बना रखी है. बेचारा कितना बुरा हुआ इसके साथ. कुछ बुरा नहीं हुआ है हमारे साथ, और बेचारे तो हम बिल्कुल भी नहीं है. आप हमारे चक्कर में मत फंसना, आपको बेच के कहां जाएंगे हम. भैया अंधे के मदद करो. पैसे दे रहे हो? मुझे दो. इसे हम जॉब देंगे. उनका एक्सप्रेशन कितने मस्त है ना. हाँ. ऐसे जो लोग होते हैं उनका एक्सप्रेशन थोड़े अलग होते हैं. जो the way they smile also, smile, वो भी अलग होती है. ऐसे आंखें जो ऐसे और मुंह जो ऐसे घुमाते हैं बोलने का स्टाइल कितना मस्त किया ना उन्होंने तो. बहुत यार, बहुत मतलब भाई टॉप नॉच एक्टिंग. कड़क भाई, कड़क. तो ये स्टोरी भी बहुत अच्छी है, मजा आएगा देखने में. तो इनके बारे में पता चलेगा, शायद मुझे भी इतना पता नहीं था. मुझे भी नहीं पता था. एक्चुअली ट्रेलर आया तो मैंने थोड़ा देखा कि ये ऐसा ऐसा है, बुलंद इंडस्ट्री क्या है. तो और इन्होंने फंड भी दिया था APJ अब्दुल कलाम ने, तो 91 में बॉर्न था इनका.
तो काफ़ी पुरानी स्टोरी होगी और हम पता चलेगा कि क्या क्या हुआ है इनके साथ, क्या क्या किया है उन्होंने. तो ये बहुत अच्छी बात है, अच्छे अच्छे मूवीज आ रहे हैं और अच्छे अच्छे एक्टर कर रहे हैं. ओए होए होए भाई क्या एक्टिंग की है. कड़क कौन? हाँ वो संग क्या नाम है कल भी, और नाम केलकर, केलकर क्या तू शरद, शरद केलकर. अरे बाबा हाँ शरद भाई बाप एक्टर, उनकी आवाज भी एक्चुअली भाई साहब बहुत बढ़िया. मजा आ गया बीच में, वो गाना भी आया ना पापा कहते हैं, मस्त सेट किया वो भी. नाइस बहुत भाई. राजकुमार राव एक्टिंग इज टॉप नॉट, बहुत सबको मतलब देखने में मजा आएगा ये. नाइस अच्छे अच्छे मूवीज आ रहे हैं भाई. कब आ रही है? क्या बात है. मई में ना, 10th ऑफ मई आई गेस. हाँ 10th में. यस यस 10th में. यस सिनेमा में आ रही है, मजा आएगा देखने में तो. क्या बात है. तो भाई लोग कमेंट करो कैसा लगा, मजा ही आएंगे. हमें तो बहुत अच्छा. हाँ भाई बहुत मजा आया, क्या बात है. और कुछ हो तो कमेंट कर देना, आपको कैसा लगा इनके बारे में, और कुछ आप जानते हो तो भी कमेंट करो श्रीकांत जी के बारे में, है ना. तो यहीं तक रखते हैं, और कुछ भी हो तो कमेंट कर देना भाई लोग. मिलते हैं अगले वीडियो में. टिल देन सी या टेक केयर, पीस एडियोस. अमिगोस.